जिला प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा था कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाकर 100% किया जाएगा, लेकिन प्रशासन के ये दावे ही खोखले निकलते नजर आ रहे हैं। मामला तब सामने आया जब ग्राउंड रिपोर्टर टीम उस जगह पहुंची जहां पर अधिग्रहित की हुई गाड़ियों को रखा गया है। चूंकि कल देर रात तक गाड़ियों का अधिग्रहण जारी था, वहीं सवाल ये उठता है कि जिन गाड़ियों को अधिग्रहित किया गया है उन पे काम करने वाले ड्राइवर और क्लीनर किस तरह से अपने मतों का प्रयोग करेंगे। डिप्टी कलेक्टर ने हमें बताया कि तकरीबन 500 गाड़ियों का अधिग्रहण किया गया है, जिन सभी के ड्राइवर और क्लीनरों के मतपत्र पहले ही डाक द्वारा डलवा दिए गए हैं। चुनाव कार्य के लिए लगभग 500 बस और फोर व्हीलर का अधिग्रहण किया गया है। इनमें से लगभग 125 के ड्राइवर के को पहले ही डाक मतपत्र के माध्यम से डाले जा चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, तो बाहर से आने वाले जो यहाँ के ज़िले के निवासी नहीं हैं, उन्होंने अपने ज़िले में वोट डाले या नहीं इसका अंदाजा तो हम नहीं कह सकते हैं। जो यहाँ के निवासी हैं ड्राइवर्स जो वोट डालने से भी रह गए हैं, परसों मतदान केंद्र पर चूँकि वो बसें उनकी खड़ी रहेंगी, यदि वो लोकल के निवासी हैं और लोकल उस क्षेत्र में रहते हैं तो वो उनके पास समय रहेगा कि वो वहाँ भी जाके वोट डाल सकते, इसके लिए मुश्किल रहेगा। यदि गुना का बंदा है उसकी गाड़ी भी यहीं पर यदि लोकल में लगी है उसके लिए संभावना है कि वो अपना वोट डाल सकते। फोटोग्राफर्स की संख्या हमारी बहुत ही कम है, लगभग 125 ही केंद्रों पर फोटोग्राफर्स की संख्या है। इसलिए संबंधित मतदाता की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी निर्धारित समय पर अपना डाक मतपत्र डाले। मामले की हकीकत जानने के लिए जब हमने अपना रुख ड्राइवर और क्लीनरों की तरफ किया तो मामला कुछ और ही नज़र आया। किसी भी ड्राइवर या क्लीनर या गाड़ी के स्टाफ का मतपत्र नहीं डाला गया, ना ही उन्हें बताया गया है कि किस तरह से उन्हें डाक मतपत्रों का उपयोग करना है। साथ ही ये सच्चाई भी सामने आई कि जिन स्टाफ जो गाड़ियों पे काम कर रहा है उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो वो भी हमें चौपट नज़र आई। जबकि प्रशासन दावा करता है कि वह सभी लोगों के खाने पीने की पूरी ध्यान रखा हुआ है और सभी ड्राइवर और क्लीनरों के पास खाने के पैकेट समय पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस हकीकत का खुलासा खुद ड्राइवरों ने किया जिनकी गाड़ी 2 दिन से अधिग्रहित की गई है। उन्हें ना तो कोई खाने की व्यवस्था की जा रही है और ना ही पानी पीने का मिल पा रहा है। समस्या परे है कि प्रशासन के इतने सारे प्रचार प्रसार और विज्ञापनों के बाद भी यदि प्रशासन खुद ही इन लोगों के वोट नहीं डला पाया तो बाकी लोगों को कैसे प्रेरित करेगा कि वे अपने मतों का प्रयोग करें। हम गुना से भाषा पढ़ा दिया से मंगना नहीं बगल में पढ़ा दिया कल के वोट कहाँ डाल रहे हैं, खाना ही नहीं मिल रहा, वोट भी नहीं, कहाँ डालेंगे वोट कहाँ डालेंगे सब डरवा कुछ नहीं करेगा। तो कल के 25 तारीख के और खाने पीने की व्यवस्था क्या नहीं है, पानी की संधा नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा, पानी का टैंकर आ गया है, ऐसा ही टैंकर है, वो तो मुँह दो बजे का है, कोई व्यवस्था नहीं, कचरा निकल रहा है। कल निकलेंगे 8-9 बजे निकलेंगे सर। नाम क्या है? राम कृष्ण रघुवंशी। 2 दिन हुआ था, खाना की व्यवस्था है ना, पानी है, कुछ नहीं है, यहाँ होटल होटल पैसा भी नहीं है, घर के पैसा खा रहे हैं। सेठ लोग 100-200 रुपए दे दे।